जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रेलवे इन्फोटेक पर। दोस्तों, हम प्रतिदिन की भांति फिर उपस्थित हैं एक नई वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, आज की जानकारी क्या है या शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ट्रेन में सफ़र करने के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। दोस्तों, रेल इंजनों के साथ साथ चलती ट्रेन के सामने ट्रैक पर भी रेलवे ने अपनी नजरें जमाने के लिए रेल इंजनों के अंदर CCTV कैमरे लगा रही है, जिससे रेल संचालन के दौरान लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट पर हमेशा नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इंजन के सामने भी CCTV कैमरा लगाया जा रहा है, जिससे चलती ट्रेन के सामने आने वाले अवरोध या OHE या सिग्नल आदि की भी जानकारी मिलती रहेगी। इससे रेलगाड़ियों की अधिकतम सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। रेलवे ने प्रत्येक इंजन में कुल 6 से 8 IP बेस्ड डिजिटल CCTV कैमरे, 8 चैनल का NBR और 4 TV का हार्ड डिस्क लगाई जाएगी। दोस्तों, कैमरों में माइक्रोफोन इनबिल्ट है, जिससे वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो सकेगी। 2 से 4 कैमरे इंजन की छत पर और आगे पीछे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 2 कैमरे केबिन 1 और 2 में लगाए जाएंगे। इससे होगा यह कि लोको पायलट एवं असिस्टेंस लोको पायलट के वीडियो और ऑडियो की रिकॉर्डिंग होगी, जो कि दुर्घटना होने की स्थिति में यह जांच में बहुत ही सहायक होगी। दोस्तों, इंजन में कैमरे लगाने से OHE की मॉनिटरिंग, रेलवे ट्रैक की मॉनिटरिंग, ड्राइवरों की सजगता की मॉनिटरिंग होती रहेगी। किसी भी अप्रिय आपातकालीन स्थिति में यह कारण को जानने एवं सबूत के तौर पर फुटेज को उपयोग में लाया जाएगा। दोस्तों, यदि इन CCTV कैमरों की क्षमता की बात की जाए तो इसमें खासियत यह है कि IP बेस्ड होंगे, ताकि रिमोट मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसकी रिकॉर्डिंग को सामान्यतः डिलीट नहीं किया जा सकेगा। वीडियो का डाटा 90 दिनों तक सुरक्षित रहेगा, जो कि FIF हो, जिसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कह सकते हैं, इसकी तर्ज पर काम करेगा। और यह कैमरा सिस्टम -10 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के अनुसार डिजाइन किया गया है, ताकि हर मौसम में बेहतर गुणवत्ता मिलती रहे। साथ ही इसमें नाइट विजन का भी प्रावधान है, जो कम लाइट में भी काम करता रहेगा। दोस्तों, जानकारी के अंत में आपको बता दें कि पश्चिम मध्य रेलवे में 88 लोको शेड, न्यू कटनी जंक्शन लोको शेड और तुगलकाबाद लोको शेड पर इंजनों में CCTV कैमरे लगाने का काम चल रहा है। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे में कुल 55 लोकों में क्रू वॉइस एवं वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम अर्थात CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिसमें 88 लोको शेड में 20 और न्यू कटनी जंक्शन लोको शेड में 13 और तुगलकाबाद में कुल मिलाकर 22 लोको में यह कैमरा लगा दिए गए हैं। और इन कैमरों के लग जाने से भारतीय रेल के लोको और भी हाईटेक और सुरक्षित हो जाएंगे। दोस्तों, इस पर पश्चिम मध्य रेलवे के CPRO राहुल श्रीवास्तव जी का इस पर कहना है कि तो इसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा, उसमें टोटल 4 कैमरे आगे और 4 बैक कैब में होंगे, मतलब टोटल 8 कैमरे, 2 कैब के अंदर कैमरे लगे रहेंगे, जिससे लोको के अंदर की सारी गतिविधि पे नज़र रखी जा सकेगी। ट्रेन की स्पीड है और बाकी जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उस पर। धन्यवाद दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे फिर मिलेंगे और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।